पीएम मोदी की मां के निधन के समय यशोदा बेन मोदी बाडर नगर स्थित अपने घर पर मौजूद थीं। जब उन्हें पीएम मोदी की मां यानी कि अपनी सास के निधन की खबर मिली तो बेहद दुखी हुईं। आनंद फानन में वह अपने भाई और भतीजों के साथ अहमदाबाद जाने के लिए तैयार हुईं। लेकिन जैसे उन्होंने घर से बाहर कदम रखा तो गुजरात पुलिस ने उन्हें घेर लिया। गुजरात पुलिस चारों तरफ से उनके घर को घेरे हुए थी। उन्होंने जाने की कहा तो पुलिस ने यह कहकर मना कर दिया कि ऊपर से आदेश मिला है कि यशोदा बहन को घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाए। मोदी की पत्नी यशोदा बहन इतना सुनकर फवक फवक कर रोने लगी। जब उन्हें अंतिम संस्कार में शामिल होने से रोका गया तो अब बुरी तरह से टूट गई। ये बातें हम नहीं कह रहे हैं बल्कि पीएम मोदी की पत्नी ने खुद हमें बताई है। મને બંદોબસ્તમાં રાખી અને તેમ જ છતો પણ તે જવા દેતા નથી, બંદોબસ્તમાં રાખ્યા છે. દુઃખ ઘણું થયું છે કારણ કે મારે સાસુ મારા માના ઠામના હતા, જેથી કરીને મારા જવાની ફોટો જોવાની અને એમના પર મને બહુ જ લાગણી હતી. આજે 15 વર્ષ થયા એમનું મોઢું. तो सुना आपने किस प्रकार से पीएम मोदी की पत्नी कह रही हैं कि उन्हें पुलिस ने अहमदाबाद अपनी सास हीरा बया के अंतिम दर्शन के लिए किस तरह से रोका है। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार पीएम मोदी अपनी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। आप भी अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा।